मुझसे क्या लेगा? समोसे। समोसा। How many samosa you want? Do you want? समोसे आएगा ना मिस? समोसास। क्या हो गया? How many samosa or ya samosas do you want? User आएगा। अब user को कितने समोसे चाहिए? ये लेने के लिए मैं किसमें input लूँ? Integer को या floor? इतना कुछ लिया है, पांच समोसे लिए, थोड़े से नमक पारी नहीं दे सकते? चलो इस वेरिएबल का नाम रखते हैं। इसका भी कोई हलवाई वाला नाम होगा ना? इसका नाम रख देते ना, ये डार्निश समोसा हाउस। कब खिला रहा था? पता चले किसकी क्या कब खिलाया था। अब यूजर से क्वांटिटी इनपुट लेनी है तो क्या लिखूं? चलो तो वेरिएबल बनाते हैं। फिर जितने 24 का एक है तो जितने हमने लिए होंगे वो किसमें लिए हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता लग जाएगा। और मैं नीचे क्या करवा दूँ उसको? प्रिंट करवा दूँ इज इक्वल टू 24 योर दिस बिल। कौन से वेरिएबल में इतना चलाते हैं? इतने बोलोगे इसमें कौन सा बढ़ा दिया? अभी हमने कर भी दिया, बल्कि सच्चे तरीके से अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, मेरी समोसा डू यू वांट? मैंने 9 समोसे लिए हैं तो 9 27 से मल्टीप्लाई होगा, मेरा बिल कितना बोल रहा है? बच्चे तो ज्यादा है तो कुछ बच्चों में नहीं कर दानिश की तो समोसे की दुकान वो तुम्हारी लेके आएगा, वो लेके आएगा। अच्छा अब सुन, इसमें बिल में अब जो दानिश की दुकान है ना बेटा, इसमें चल रहा है 20% डिस्काउंट। जितना आपका बिल बनेगा उस पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 20%। तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट कैसे निकालना है? तो जितने है उस बिल में, बिल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.2 से। अच्छा ये 0.2 पे एरर देगा क्यों? जब भी पॉइंट लगता है उसके साथ आगे क्या लगता है? अच्छा तो मेरे पास ना डिस्काउंट में ये आ जाएगा कि मुझे कितने पैसे बचेंगे। अब मुझे आखिर में पैसे कितने देने हैं ये कैसे निकलेगा? एक और वेरिएबल बनाया टोटल बिल। पहले कितना वो था बिल, वो किस वेरिएबल में? बिल। उसको मैं माइनस कर दूंगी किससे? डिस्काउंट के वेरिएबल। अच्छा एक चीज सुनना, भी आंसर हो सकता है गलत है क्योंकि ये फ्लोट में और ये सब किसमें है? तो इसको भी किसमें करते हैं? इसको फ्लोट में कर लेते हैं बिल। क्वांटिटी इंटीजर में ही रहे और नीचे क्या करते हैं? हाँ अच्छा प्रिंट करवाते हैं। यू हैव गॉट 20% डिस्काउंट योर न्यू बिल। Yes. New bill कौन से वेरिएबल में? टोटल चला के देख। मैंने 2 समोसे लिए, कितने के बनेंगे? 227 का 24 लिया। 48
और मुझे डिस्काउंट 48 पे 20% का मिला और जब 48 में से वो पैसे माइनस में तो अब मुझे कितने पैसे देने बेटा 38 तो हमसे 39 ही देगा। ये कुछ समझ में आया? आगे समझ में। अब आप लोग एक प्रोग्राम बनाए बेटा